नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश। और बिहार में एक साथ कई जिलों में कोरोना विस्फोट हुआ है। जिस तरीके से आपको पता है कि पिछले दिनों एक दिन में 130 मामले सामने आए थे, उसके बाद एक बार फिर से बिहार का नया अपडेट आ गया है। 129 मामले सामने आए हैं। तमाम जिले अब संक्रमित हो चुके हैं। बिहार के 3800 जिला से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 29 नए मरीजों की पहचान की गई है। और इसके साथ ही काफ़ी तेज़ी से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ 908 हो गया है। मतलब काफ़ी तेज़ी से हजार की तरफ यह आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरीके से बीते 3 से 4 दिनों में सैकड़ों में संख्याएं बढ़ रही है, समझ सकते हैं बिहार पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि 29 नए मरीजों की पहचान की गई है। सबसे बड़ी बात, कुछ जिले ऐसे हैं जहां से लगातार अधिक संख्या में मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट की गई है, उसके माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लिस्ट जारी किया गया है। उस लिस्ट में आप देखेंगे कि नवादा से 9, बेगूसराय से 6, खगड़िया से 3, रोहतास से 3, गोपालगंज से 2 और बक्सर से 3 मरीज मिले हैं। जिसमें आप देख सकते हैं तमाम लोगों के बारे में बताया गया है कि बक्सर के 3 कौन कौन क्षेत्र के लोग हैं। नालंदा से जो लगातार नवादा से बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है, उसके अलावे बेगूसराय से भी लोगों की पहचान की गई है, गोपालगंज के भी लोग इसमें शामिल हैं, रोहतास, खगड़िया, भागलपुर, तमाम जिले। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इन दिनों खगड़िया और रोहतास पर संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से, जिस रफ्तार से दर्जन की संख्या में प्रत्येक दिन मरीज मिल रहे हैं, तो इन दो जिलों पर कुछ विशेष खतरा मंडरा रहा है। रोहतास काफ़ी लेट से शामिल हुआ इस जिले में और खगड़िया अब से कुछ दिन पहले तक, एक सप्ताह पहले तक सेफ माना जा रहा था, लेकिन अचानक अब वहाँ मरीज मिलने लगे हैं और अब तक करीब 30 मरीज वहाँ पर मिल चुके हैं। तो जिस रफ्तार से बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह हो गई है। आज एक और मरीज की मौत हुई और बिहार में मरने वालों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो देखने वाली बात होगी कि नए अपडेट्स में क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए अपडेट पहुँचा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।